नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। तारी छोड़कर अगर आप नीरा अपनाते हैं तो सीएम नीतीश कुमार आपकी सहायता भी करेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बातें खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कही गई है। बता दें कि समाज सुधार अभियान को लेकर सीएम नीतीश कुमार बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे थे और लगातार लोगों को जागरूक करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा था। ऐसे में आपको बताएं कि अपने इस अभियान के आखिरी पड़ाव में सीएम नीतीश कुमार मधेपुरा पहुंचे और मधेपुरा पहुंचने के साथ ही कई तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई। बात अगर हम करें तो नशा मुक्ति अभियान को लेकर सीएम नीतीश कुमार समाज को जागरूक करना चाहते हैं और यही वजह है कि इस बार तारी छोड़कर नीरा अपनाने वालों को राहत कोष देने की बात भी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कही गई है। ऐसे में समाज सुधार अभियान के तहत क्या कुछ सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है, किन किन बातों को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने जोर दिया है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि तारी के बदले नीरा बनाने वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष से भी अनुदान दिया जाएगा। समाज सुधार अभियान के तहत रविवार को मधेपुरा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की है। मधेपुरा में बीएन मंडल स्टेडियम में सीएम ने मधेपुरा, सहरसा और सुपौल में आई जीविका दीदियों को संबोधित किया। इसी के साथ समाज सुधार अभियान का यह चरण समाप्त हो गया। हालांकि पत्रकारों से बातचीत में सीएम नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि समाज सुधार का अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। सीएम ने कहा है कि तारी उतारने वाले लोग यदि नीरा को अपना रहे हैं तो उन्हें सतत जीविकोपार्जन के तहत सहायता दी जाएगी, लेकिन हमने मन बना लिया है कि अगर तारी बेचने वाले नीरा बनाएंगे तो उन्हें सीएम राहत कोष से भी अनुदान दिया जाएगा। नीरा बहुत ही बढ़िया चीज है। एक खास जाति के लोग तारी उतारने का काम करते हैं, लोग उनको भड़काते हैं, वे कहीं और जाकर कोई और काम करते हैं, इसलिए वे नीरा बनाए तो सरकार उनको मदद देगी। साल 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की गई थी। कोसी प्रमंडल के 1960 परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है। शराबबंदी लागू होने के पहले जो परिवार ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े थे उन्हें नीरा व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है। सरकार की तरफ से 1,00,000 तक की आर्थिक मदद दी जा रही है, लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो बता दें कि सीएम नीतीश कुमार आज से नहीं बल्कि 2018 से ही इस योजना में जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि तारी बनाने वाले लोगों को तारी के जगह पर नीरा बनाने की बात सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कही गई है और साथ ही साथ जितनी संभव मदद हो सके इसके दावे सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किए गए हैं। ऐसे में बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए शराबबंदी कानून सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लागू किया गया, तो वही अब तारी बनाने वालों को नीरा बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने इस राहत कोष की बातें उनकी तरफ से कही गई है और साथ ही साथ आर्थिक मदद की बात भी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कही गई है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।